तो आज के साली वीडियो में हम लोग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट सुपर कार्स वर्सेस एसयूवी कार्स का कंपटीशन करने वाले हैं। वेल तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सुपर कार्स टीम से हमारे पास है द लैम्बोर्गिनी SVJ63 जो कि एक सच्ची में बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर कार है। और नेक्स्ट कार है द बुगाटी डीवो। इसको आप लोग सुपर कार टीम की लीडर कह सकते हो क्योंकि ये लैम्बोर्गिनी के भी दो गुना ज्यादा पावर वाली कार है। और थर्ड कार है अपने पास द शेल्बी मस्टैंग जो कि एक मसल कार है बट पावर इसमें भी सुपरकार वाली है और थोड़ी सी इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। हो सकता है ये दोनों ऑफ रोड ट्रैक में हार जाए बट ये जितवा देगी। तो अब चलते हैं दूसरी टीम की तरफ और दूसरी टीम में प्रॉपर एसयूवी कार्स है। फर्स्ट साइड पे है डिफेंडर, सेकंड है द मर्सिडीज जी वैगन 65 AMG और थर्ड कार है टोयोटा लैंड क्रूजर। फॉर्च्यूनर नहीं है, फॉर्च्यूनर समझना उससे ऊपर है। और मैंने ना एक टाइम पास के लिए तीसरी टीम भी बना दिया है, इसको मत गिनना यार, इसको पहले से जीता हुआ मान लो क्योंकि ये है अपनी रोल्स रॉयस रैथ। ये किसी के साथ मैच नहीं होती, ना ये एसयूवी है ना सुपरकार है, ये सेडान है, एक लग्जरी सेडान। तो इसका भी एक टेस्ट कर लेंगे इसलिए मैंने खड़ा कर दिया, बाकी कंपटीशन इन दोनों में। वैसे भी आप लोग सोच रहे होंगे क्या उज्जवल भाई यार, सीधी सी बात है ऑफ रोड ट्रैक है तो सारी एसयूवी इजीली जीत जाएगी, सुपरकार्स हार जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। इसका नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है स्पीड का, वहाँ पर सुपर कार्स के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो कंपटीशन पूरा बराबर है, ऑफ रोड भी होगा, स्पीड भी होगा, बिल्ड क्वालिटी टेस्ट सब कुछ होने वाला है। तो फटाफट से टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं भेजने वाला हूँ डिफेंडर। वैसे आपको क्या लगता है कौन सी कार्स जीत के जाएगी मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। इस टीम से मेरे को सबसे ज़्यादा उम्मीद है मर्सिडीज जी वैगन से और सुपर कार से उम्मीद है मेरे को बुगाटी से। बाकी भी फटाफट से चलते हैं गाड़ी के अंदर, लोग अपनी फर्स्ट कार में आ गए हैं, इंजन करा स्टार्ट। अब फटाफट से गाड़ी को यहाँ पर लाकर देते हैं। बाय द वे मैंने बताया नहीं ये ऑफ रोड ट्रैक कैसा है। देखो स्टार्टिंग में जंप्स होने वाले हैं, जिस गाड़ी ने जंप क्रॉस कर दी उसके बाद उसे थोड़ा सा जिगजैग ट्रैक मिलने वाला है और फिर ट्रैक पूरा डिफिकल्ट होता जाएगा, बट स्टार्ट बेसिक से होने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से गाड़ी को मैं यहां पर भगाता हूं, लेट्स गो। गाड़ी गई यहां पर, थोड़ी सी स्पीड कम करी, भाई उसका आगे से बंपर गया। ओके सेकंड लैंडिंग सेफ हुई है बट गाड़ी थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई, बट ठीक है वापस से सही हो गई। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ये जब मतलब जमीन पे लैंड हो रही है ना उसके बाद एक जंप आ रहा है गाड़ी में अपने आप, जो गाड़ी को थोड़ा सा कंट्रोल से बाहर कर रहा है। बाकी गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, शायद इसका कोई टायर टेढ़ा हो गया है जिस वजह से अभी इसके टायर मोड़ना काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो रहा। भाई रेंज रोवर गॉड है भाई, मेरे को नहीं लगता कोई भी गाड़ी इतनी ज्यादा आगे आ पाएगी मर्सिडीज जी वैगन को छोड़ के। ओके पूरा ट्रैक, ओ वेट आगे के शीशे जा चुके हैं देखो सारे, और अभी टायर गए। गाड़ी का इंजन, गाड़ी का अंदर का बैक वैक सब कुछ ओके है बट गाड़ी का इंजन बोल गया भाई। वैसे ये इंजन दम नहीं लगा पा रहा है देखो, क्योंकि अगर इंजन दम लगाता तो ये गाड़ी फोर व्हील ड्राइव है। भले आगे वाले टायर मानता हूँ कि सस्पेंशन में कुछ जोर आया होगा बट पीछे वाले टायर भी नहीं घूम रहे, तो यानी अभी इंजन बोल गया, धुआं आ रहा है भाई बुरी तरह। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा आगे आ गई, पांचवी छठी जंप इसने मारी है। इसका मैं एक ये देख रही हूँ यहाँ पर हम पता कर सकते हैं गाड़ी पे कितना डैमेज हो, एकदम लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे बहुत कुछ गया है। ठीक है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा आगे तक आई, सारी जंप्स इसने क्रॉस कर दी बट इसके आगे जो प्रॉपर चढ़ाई थी ना वहाँ पर ये नहीं जा पाई है। अब देखते हैं बाकी कार्स यहाँ तक आ पाती है या फिर नहीं। तो अब बारी है सुपर कार्स की और इस ट्रैक के लिए मैं भेजने वाला हूँ फोर्ड मस्टैंग को, कॉज इन सभी बाकी कार्स की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। ये गाड़ी है जो कि कुछ करके दिखा सकती है, लेट्स गो। गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर लिया, ओ भाई साहब इसका भी साउंड मस्त है बट जब रेस दो उसी टाइम पे अपनी SVJ अलग ही शोर मचा दे। 3, 2, 1 लेट्स गो। गाड़ी एकदम फुल स्पीड में यहां से भगाना स्टार्ट, और ये दोनों साइड के ट्रैक एकदम सेम है ऐसा मत समझना। ओ भाई 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 ये तो अभी से पटकी खा गई, लेकिन मजबूत कार है यार ये ले जाएगी भाई, मतलब पटक रही है पूरी गाड़ी जमीन पे आ गए। बाकी ठीक है इसके टायर अपने आप उड़ने लग गए भी, रुको रुको रुको, अरे भाई भाई आराम से कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा है, मेरे को रेस कम देनी होगी क्या? नहीं 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 रेस कम दूंगा तो फिर मैं रेस दे के अगली जंप नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। ये देखो मेरे को रेस देना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वरना गाड़ी पूरी जंप नहीं मार पाएगी प्रॉपर। लेट्स गो, मत जा उधर, अपने आप मुड़ रही है भाई, अपने आप जा रही है। लेट्स गो, क्योंकि गाड़ी जब भी जंप कर रही है आगे वाले टायर के ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है तो सस्पेंशन खराब हो रहे हैं, और मस्टैंग ने रेंज रोवर का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। हेलो मैंने बोला था इसकी बिल्ड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल है, रेंज रोवर अपनी इस जगह पर नहीं आ पाई थी बट ये आ चुकी है। गाड़ी आगे से तो मैंने देखी ही नहीं थी ये हाल हो रखा है क्या।
लेट्स गो। ओए 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 एक मिनट भाई, बिल्कुल विश्वास नहीं था कि सुपर कार्स भी इस ऑफ रोड टेस्ट में कुछ कर सकती है। और एक सेकेंड, चल जा लेट्स गो। हो गया, थोड़ी सी और आगे, थोड़ी सी, बस चलो, एक लैप कंप्लीट। बट इसके बाद तो कुछ नहीं होगा भाई, अभी पूरी ढक्कन हो गई भाई। लेकिन रेंज रोवर को हरा दिया भाई, मानना पड़ेगा। मुझे तो लग रहा था कि यार सुपर कार्स का भूत बनने वाला है इस ट्रैक पे, बट नहीं, उल्टा जीत गई है पहला राउंड। तो नेक्स्ट राउंड जी वैगन को, और देखते हैं कि आखिरकार ये एसयूवी इज्जत बचाती है या फिर नहीं। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है भाई, ये बहुत मजबूत कार है वैसे अगर देखा जाए तो। ठीक है, भगाते हैं मेरे को, लेकिन ये 7 सीटर है, प्रॉब्लम ये है। तो इसका वेट बहुत ज्यादा होगा, और भाई 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 इससे तो अभी से ही उम्मीदें निकल गई मेरी, सारी गई है, ये खत्म है भाई। जीत गई भाई, सुपर कार जीत गई ये टूर्नामेंट। इसका आगे वाला टायर ही चला गया यार, ये देखो। नहीं नहीं भाई, एक ट्राय और मिलेगा, कुछ गलती हुई होगी, मैं एक ट्राय और देने वाला हूँ, मैंने रीस्टार्ट करा, रुक जाओ भाई। मतलब इस गाड़ी में पावर क्या हो गया भाई। हेलो, ठीक है, दोबारा से ये एक और जंप, परफेक्ट लैंडिंग। ओए अभी स्पीड में मस्त एकदम, और बस आगे के ना सस्पेंशन खराब ना हो, गाड़ी मस्त चलते चले जाएगी कहीं पर भी, एटलीस्ट रेंज रोवर तक तो पहुँचे। डन, बहुत सही। बट अब गई ना, देखो 28 माइल्स पर अटक चुका है इसका स्पीड, अब ये जंप ही नहीं हो पाएगी। ये देखो, ये हो गई, ये गेट ही नहीं, अरे जा, ओए भाई, 4x4 नहीं है क्या यार, खत्म हो गई। बट यार गाइस, अभी भी मुकाबला बराबरी का है, हो सकता है इन दोनों कार्स में से भी कोई कार इसी तरीके से अटक जाए बीच रास्ते में। तो नेक्स्ट कार जाने वाली है अपनी लंबोर्गिनी SVJ63। इसको तो भाई बस चलाने में मजा आता है, ये देखो भाई सब उधम मचा देंगे। तो उतरी, वेट, मैनुअल पे सेट हो रखी है, ऑटोमेटिक यार, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या तो ये उड़ेगी या फिर ये उड़ेगी। 3, 2, 1 लेट्स गो। अब जाने वाली है भाई बहुत तेज स्पीड में। हेलो भाई, तो आंधी है, 2 सेकंड में 100 माइल्स। ठीक है, आगे से इसका नाइस, मस्त जा रही है, अंदर से देखो। ओ भाई 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 भाई, इसको यार, इसका वेट बहुत मस्त है, जिस वजह से सारी जंप्स बहुत प्यारी मार रही है। ये गाड़ी इतनी मजबूत नहीं है, बट इसके जो जंप है ना वो बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जिस वजह से सारे सस्पेंशन ओके थे, और अभी गाड़ी धीरे धीरे टूटती जा रही है। और फाइनली फोर्ड मस्टैंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है SVJ ने। नाइस, नीचे मत जाइए, बस टायर ही निकल गया यार, अब तो कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, इसने तबाही मचा दी भाई। ओए अभी भी चल सकती है, अभी भी चल सकती है। आजा, पर ठीक है, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा भाई, कितने सारे जंप्स इसने कवर कर दिए, नाइस यार। गाइस, मैच में अभी भी सस्पेंस है, क्यों? क्योंकि सुपर कार्स 2 राउंड जीत गई है, SUV कार्स 1 ही राउंड जीती है। अब हो सकता है बुगाटी नेक्स्ट वाला हार जाए, बट लैंड क्रूजर जीत जाए तो 2-2 हो जाएगा और दोनों गाड़ियां बराबर हो जाएगी। तो टेस्ट करते हैं अपनी लैंड क्रूजर को, इससे बहुत उम्मीद है, प्लीज उम्मीद मत तोड़ियो भाई। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट, 3, 2, 1 लेट्स गो। अब देखते हैं आखिरकार ये गाड़ी SUV की इज्जत बचाती है या फिर नहीं। लेट्स गो, एक जंप प्यारी सी, अच्छी लैंडिंग तो नहीं हुई, बट हाँ बुरी लैंडिंग भी नहीं हुई है, सस्पेंशन पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, और आने वाली 3 से 4 भाई मस्त सेट हो गई ये गाड़ी, ऐसा लग रहा है बनी जंप करने के लिए है। लेट्स गो, ये जीत गए भाई, बस एकदम कंट्रोलिंग अच्छे से रहे, ये गाड़ी बहुत मजाक है इसके लिए, तो गाड़ी सही सलामत जा रही है, कुछ हुआ ही नहीं है, अभी एक टुकड़ा टूट के तक नहीं निकला, बम्पर कुछ हो जाए, बट हाँ डैमेज हो रहे हैं। ओ बीच की आम रोड जो होती है ना, शायद से वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, रेड दिखा रहा है मेरे को लेफ्ट में, और गाड़ी की पावर भी थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि चढ़ाई भी आ चुकी है ना। ठीक है, एक और जंप, 100 माइल्स की स्पीड है, और धीरे धीरे स्पीड कम हो रही है, जो कि इस कार के लिए बुरी बात है, SUVs हार सकती है अभी भी, बिकॉज SUVs ने जो तबाही मचाई है ना वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल थी। लेट्स गो, इज्जत बचा लो भाई SUV की, 45 आगे गई है, बस अभी इंजन पे जोर आ चुका है, भले V12 हो बट थोड़ा सा बोल गया इंजन, और गाड़ी मेरे को फील आ रहा है चढ़ नहीं पाएगी, और एक बार को चढ़ भी गई तो जंप नहीं मार पाएगी अच्छी वाली, नीचे गिर जाएगी। बट हाँ, बाकी कार्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे, एक बार मैं हैंड ब्रेक लगाता हूँ, और ये देखो आप, मैं आपको यहाँ तक अपनी गाड़ी आई, अबे नहीं
अपनी एसयूवी जो यहाँ तक आ गई थी यार, यहाँ तक, और ये तो रेंज रोवर से ही आगे आई है बस। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस एक सुपर कार्स की टीम की कार ने करा है, जो कि लैम्बोर्गिनी एसयूवी है। अभी भी ये सही से चलेगी, थोड़ा सा इंजन पे डैमेज आ गया है, जिस वजह से इंजन देखो रेस दे नहीं पा रहा है। नीचे भी ले जाना चाह रहा हूँ तो बहुत धीरे धीरे जा रही है, फुल रेस देने के बावजूद। बुरा लग रहा है यार एसयूवी के लिए, मतलब बहुत गंदी तरह हार चुकी हैं सारी की सारी। बाकी अपने पास है कि ये कार है रॉल्स रॉयस रैथ, क्यों ना इसका भी एक टेस्ट कर लिया जाए प्यारा सा, क्योंकि ये गाड़ी का मुझे पता नहीं, इसकी स्पीड भी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये खत्म भाई खत्म, एक मिनट, एक और जंप, चल रही है गाड़ी, चल अच्छे से रही है भाई। इतनी जंप के बाद भी इतना फर्क नहीं आया टायर्स वगैरह पे, बॉडी टूटती जा रही है वो बात अलग है, सारे के सारे एग्जॉस्ट पूरे जमीन में घिस रहे हैं। लेट्स गो ओबे, ये तो भाई एक मिनट, कंट्रोल तो सही हो रही है अभी भी, ये भाई ये खत्म कर देगी, एक मिनट, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है इसको एसयूवी टीम्स की तरफ से गिन लेंगे, क्या हो गया। एक और जंप, इजीली लैंड होगी, ब्रेक 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 ब्रेक, ये गाड़ी खींच देगी भाई इतना गंदा तो मैंने किसी को नहीं देखा भाई, आराम से आई है। ठीक है ठीक है ठीक है, वापस ट्रैक पे आ चुके हैं, चलने के लिए रेडी है, 3 2 1 लेट्स गो। 1620 पकड़ रही भाई स्पीड, अबे 50 माइल्स पहुंच गई, तो क्या है भाई कौन सा इंजन लगा हुआ इसमें भाई जो भी हो बहुत है, फिर से 70 माइल्स पहुंच गई है भाई, एंड कर दिया। ये सुपर कार्स और एसयूवी दोनों हार गई है भाई, ठीक है ना, रोल्स रॉयस जीत की है, इंजन इज ओके स्टार्व्ड ऑफ ऑयल, भाई 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 धुआं देख रहे हो कैसे आ रहा है गाड़ी से, बट गाड़ी ने सारी जंप्स कंप्लीट कर दी जो कोई गाड़ी नहीं कर पाई, वो रोल्स रॉयस ने कर दिखाया भाई। तो अब होने वाला है गाड़ियों का टॉप स्पीड टेस्ट, देखते हैं कि आखिर ये कितनी मैक्स स्पीड तक जा सकती है, और इस टूर्नामेंट में इजिली सुपर कार्स जीतने वाली है। बट हाँ, हो सकता है एक टाइम ऐसा आया जब मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ उन कार से और वो बाई चांस हार जाए, बाकी ठीक है गाड़ी मस्त भाग रही है 135 140, और अभी भी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है गाड़ी, और वैसे भी इतना कोई खतरनाक रास्ता आया नहीं है, सीधा हाईवे है, 156 किलोमीटर पर आ रही है, ये माइल्स पर आ रहा है जो कि किलोमीटर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मस्त चल रही है 155, हाँ तो यही इसको मान लेते हैं 156 मान लेते हैं, बट इससे ज़्यादा इस गाड़ी की स्पीड नहीं जा रही है, और ये बहुत अच्छे से कंट्रोल हो रही है इतनी स्पीड पे। ऑल राइट, सुपर कार्स की टीम से आ चुकी है लैम्बोर्गिनी एसयूवी, जो कि 2 सेकंड के अंदर रेंज रोवर को हरा देगी, उसकी 156 स्पीड गई थी ना, और ये 100 माइल्स ये टप आ देगी, अबे शोरी मचा रही है क्या, बस पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई 157 62, ओ भाई खतरनाक, कंट्रोलिंग पे ध्यान दे तो मैं स्पीड नहीं देख रहा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं, 200 माइल्स है, 190 200 होने वाले हैं बस ओके बचके 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 200 माइल्स उसकी टॉप स्पीड है, अबे जा रही है अभी भी, बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, बस आगे कोई मोड़ ना आए भाई, बैंड बज जाएगी बहुत गंदी, 210 यही इसकी फाइनल टॉप स्पीड मैं मान रहा हूँ, 210 भी हाँ कभी कभी टच हो रही है तो इसे फाइनल करते हैं, क्योंकि यार गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत तेज। तो चलो गाइस, आई होप आपको BeamNG गेम प्ले सीरीज का सेकंड एपिसोड भी जरूर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सीरीज को जाके लाइक करना, एम करते हैं 500,000 लाइक के लिए, तो लाइक गोल कंप्लीट कर दो, और कमेंट्स में जाके अपने और भी आइडियाज़ मुझे जरूर बताओ, ये वाला आइडियाज़ भी आप लोगों ने बताया था कि सभी कार्स का कॉम्पिटिशन कराओ, क्रैश टेस्ट करो।